दोस्तों, इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये छत पर बागवानी किया गया है। तो दोस्तों, एक बिहार राज्य सरकार द्वारा एक स्कीम चलता है छत पर बागवानी, उसके तहत लगभग 50% अनुदान दिया जाता है। तो ये जो लगा है हमारे शंभू सर के छत पर लगा है, जो कि सर एक रिटायर्ड जिला कृषि पदाधिकारी हैं, और इनका एक मशरूम प्रोडक्शन यूनिट भी है और प्रशिक्षण का भी कार्य वहाँ पे होता है। तो रब्दे इंसान एग्रो टेक के नाम से जो है इनका वो ये है फार्म है, जहाँ ये मशरूम उत्पादन और ट्रेनिंग का कार्य करेला कराया है, जाता है। ये करेला लंबा वाला करेला है, पतला वाला। ये सब करेला है जिसको कि अभी तोड़े भी हैं, इसी में से तोड़े हैं। अभी कुछ छूटा हुआ है जिसको कि एक दो दिन के बाद फिर तोड़ेंगे। इधर ये मेंथा है, पुदीना, औसत पुतिया है। इस तरह से एक में दो तीन चार निकलता है। नीचे रहरिया सेम का पौधा है, भीतर में साइडों के अंदर ये सब करेला है। इधर बोरी है, बोरी जो फला हुआ है, एक एक हाथ तक का इसका, एक हाथ से भी बड़ा बड़ा इसका निकला सब्जी निकला है। ये मेरा नींबू है, कागजी नींबू, जो फल पकड़े हुए है, कई इसमें से खा चुका हूँ। इधर मूली है पॉट में, मूली को अभी मैं तोड़ा हूँ, कुछ निकाला भी हूँ। उधर मिर्चा है, लाल मिर्चा। इधर हजारा नींबू है, ये लेमन ग्रास है, ये चाइनीज लेमन है, वो अनार है, पोमग्रेनेट। उधर पोई साग है, पोई साग भी कई बार खा चुका हूँ, बहुत लोगों को मैं बांटा भी हूँ। इधर अनार में अब फ्लावरिंग शुरू हो गया है, पिछले साल भी कुछ फ्रूट्स निकला था लेकिन इस साल ज़्यादा निकलने का चांस है। इधर पपाया है जिसका कि फ्लावरिंग शुरू हो गया है। इधर गुआभा है, L49 इलाहाबाद सफ़ेदा, इसमें भी फ्रूट पकड़ लिया है, पिछले साल भी मिला था इसमें से। ये छोटा पपीता है जो उसके बाद निकलेगा। इधर जो बोड़ी है उसका ये सेकंड क्रॉप शुरू होगा इसमें से। ये अरुणाचल का मिर्चा है, अरुणाचल से मैं लाया था, ब्लू रंग का इसका फ्लावर होता है। और ये तुलसी है, श्यामा तुलसी, जो कभी कभी चाय में या खांसी वगैरह होने पर हम इसका उपयोग करते हैं। ये 3 लेयर सिस्टम्स है। ये टमाटर है जिसमें उम्मीद है कि 20 किलो से ज़्यादा एक प्लांट में निकलेगा टाइम टू टाइम। ये 3 टेयर क्रॉपिंग पैटर्न है। भिंडी भी फ्लावरिंग शुरू हो गया है, भिंडी में भी अब फल आना शुरू हो जाएगा, फल पल की पकड़ भी लिया है। इस तरफ से भिंडी में फल पकड़ना शुरू कर दिया है। यही है हजारा, जो सतपुतिया जिसको बोलते हैं, इसमें कई तरह, एक ही बंच में कई ये होता है, एक ही बंच में कई फ्रूट होता है, इस तरह से ही बंच में होता है। इसकी खासियत यही है कि बंच में होता है, पूरा बंच है। इसमें से बहुत सक्सेस होगा, बहुत फेल भी होगा। अभी मेरे गार्डन का यही है।